आज हम आपके पसंद किए जा रहे चैनल पर लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ साथ आप सभी के लिए भारत के अवतंत्र एवं प्रतिरूप ड्रेनेज सिस्टम व पैटर्न से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न एक, अलकनंदा किस हिमानी से निकलती है? सही उत्तर है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमानी से। प्रश्न दो, गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर। प्रश्न तीन, भारत में सबसे बड़ा अवतंत्र किस नदी का है? सही उत्तर है गंगा। प्रश्न चार, कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है? सही उत्तर है अलकनंदा। प्रश्न पाँच, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर है चंबल। प्रश्न संख्या छः, यमुना की सहायक केन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? सही उत्तर है कैमूर की पहाड़ी सतना से निकलती है व बांदा के निकट यमुना में मिलती है। प्रश्न सात, गोमती नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सही उत्तर है पीलीभीत जिले के फुलर झील से। प्रश्न आठ, जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? सही उत्तर है गोमती। प्रश्न नौ, हिमालयी क्षेत्र की टॉन्स तथा विंध्य क्षेत्र की टॉन्स नदियाँ किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर है क्रमशः यमुना एवं गंगा की सहायक नदियाँ हैं। प्रश्न 10, शारदा या सरयू किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर है घाघरा। प्रश्न 11, रावी नदी हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी से निकलती है? सही उत्तर है कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे से। प्रश्न 12, भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण कौन सी नदी करती है? सही उत्तर है सतलज। प्रश्न 13, गंगोत्री हिमानी 3900 मीटर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है उत्तरकाशी। प्रश्न 14, धौली गंगा एवं विष्णु गंगा किसकी सहायक धाराएं हैं? सही उत्तर है अलकनंदा की। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 15, राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर है घाघरा की। बहुत बहुत धन्यवाद।